दादी माँ के 22 रामबाण घरेलू नुस्खे जरूर पढ़ें। अक्सर घर के बुजुर्गों के पास ही हर समस्या का समाधान मिल जाया करता है, जो रामबाण इलाज होता है। ऐसी ही कुछ छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं हैं जिन्हें हल करने के लिए दादी माँ के या 22 रामबाण घरेलू नुस्खे ही काफ़ी हैं। ज़रूर जानिए। टिप्स नंबर वन, कान दर्द। प्याज पीसकर उसका रस कपड़े से छान लें, फिर उसे गर्म करके 4 बूंद कान में डालने से कान का दर्द समाप्त हो जाता है। टिप्स नंबर टू, दांत दर्द। हल्दी एवं सेंधा नमक महीन पीस कर उसे शुद्ध सरसों के तेल में मिलाकर सुबह शाम मंजन करने से दांत का दर्द बंद हो जाता है। टिप्स नंबर थ्री, दांतों के सुराख। कपूर को महीन पीस कर दांतों पर उंगली से लगाएं और उसे मलें। सुराखों को भली प्रकार साफ कर लें, फिर सुराखों के नीचे कपूर को कुछ समय तक दबाकर रखने से दांतों का दर्द निश्चित रूप से समाप्त हो जाता है। टिप्स नंबर फोर, बच्चों के पेट के कीड़े। छोटे बच्चों के पेट में कीड़े हो तो सुबह एवं शाम को प्याज का रस गर्म करके एक तोला पिलाने से कीड़े अवश्य मर जाते हैं। धतूरे के पत्तों का रस निकाल कर उसे गर्म करके गूदा पर लगाने से चूने लघु कृमि से आराम हो जाता है। टिप्स नंबर फाइव, गिल्टी का दर्द। प्याज पीसकर उसे गर्म कर लें, फिर उसमें गोमूत्र मिलाकर छोटी सी टिक्की बना लें। उसे कपड़े के सहारे गिल्टी पर बांधने से गिल्टी का दर्द एवं गिल्टी समाप्त हो जाती है। टिप्स नंबर सिक्स, पेट के केचुए एवं कीड़े। एक बड़ा चम्मच सेम के पत्तों का रस एवं शहद लगभग मिलाकर प्रातः मध्याह्न एवं सांय को पीने से केचुए तथा कीड़े 4-5 दिन में मरकर बाहर निकल जाते हैं। टिप्स नंबर सेवन, छोटे बच्चों को उल्टी दस्त। पके हुए अनार के फल का रस गुनगुना गर्म करके प्रातः मध्याह्न एवं सांय को एक एक चम्मच पिलाने से शिशु व मन अवश्य बंद हो जाता है। टिप्स नंबर एट, कब्ज दूर करने हेतु। एक बड़े साइज का नींबू काटकर रात्रि भर ओस में पड़ा रहने दें, फिर प्रातः काल एक गिलास चीनी के शरबत में उस नींबू को निचोड़कर तथा शरबत में नाम मात्र का काला नमक डालकर पीने से कब्ज निश्चित रूप से दूर हो जाता है। टिप्स नंबर नाइन, आग से जल जाने पर कच्चे आलू को पीसकर रस निकाल लें, फिर जले हुए स्थान पर उस रस को लगाने से आराम हो जाता है। इसके अतिरिक्त इमली की छाल
जलाकर उसका महीन चूर्ण बना लें। उस चूर्ण को गो घृत में मिलाकर जले हुए स्थान पर लगाने से आराम हो जाता है। टिप्स नंबर 10, कान की फुंसी। लहसुन को सरसों के तेल में पकाकर उस तेल को सुबह, दोपहर और शाम को कान में दो दो बूंद डालने से कान के अंदर की फुंसी बह जाती है अथवा बैठ जाती है तथा दर्द समाप्त हो जाता है। टिप्स नंबर 11, कुकुर खांसी। फिटकरी को तवे पर भून लें और उसे महीन पीस लें। तत्पश्चात 3 रत्ती फिटकरी के चूर्ण में लगभग चीनी मिलाकर सुबह, दोपहर और शाम को सेवन करने से कुकुर खांसी ठीक हो जाती है। टिप्स नंबर 12, पेशाब की जलन। ताजे करेले को महीन महीन काट लें, पुनः उसे हाथों से भली प्रकार मल लें। करेले का पानी स्टील या शीशे के पात्र में इकट्ठा करें। वही पानी 50 ग्राम की खुराक बनाकर 3 बार सुबह, दोपहर और शाम पीने से पेशाब की कड़क एवं जलन ठीक हो जाती है। टिप्स नंबर 13, फोड़े। नीम की मुलायम पत्तियों को पीसकर गो घृत में उसे पकाकर कुछ गर्म रूप में फोड़े पर हल्के कपड़े के सहारे बांधने से भयंकर एवं पुराने तथा असाध्य फोड़े भी ठीक हो जाते हैं। टिप्स नंबर 14, सिर दर्द। सोंठ को बहुत बहुत महीन पीस कर बकरी के शुद्ध दूध में मिलाकर नाक से बार बार खींचने से सभी प्रकार के सिर दर्द में आराम होता है। टिप्स नंबर 15, पेशाब में चीनी, शक्कर। जामुन की गुठली सुखा कर महीन पीस डालें और उसे महीन कपड़े से छान लें। अठन्नी भर प्रतिदिन 3 बार सुबह, दोपहर और शाम ताजे जल के साथ लेने से पेशाब के साथ चीनी आनी बंद हो जाती है। इसके अतिरिक्त ताजे करेले का रस 2 तोला नित्य पीने से भी उक्त रोग में लाभ हो जाता है। टिप्स नंबर 16, मस्तिष्क की कमजोरी। मेहंदी का बीज अठन्नी भर पीसकर शुद्ध शहद के साथ प्रतिदिन 3 बार सुबह, दोपहर और शाम सेवन करने से मस्तिष्क की कमजोरी दूर हो जाती है और स्मरण शक्ति ठीक हो जाती है तथा सिर दर्द में भी आराम हो जाता है। टिप्स नंबर 17, अधकपारी का दर्द। 3 रत्ती कपूर तथा मल्याग्रि चंदन को गुलाब जल के साथ घिस कर गुलाब जल की मात्रा कुछ अधिक रहे। नाक के द्वारा खींचने से अधकपारी का दर्द अवश्य समाप्त हो जाता है। टिप्स नंबर 18, खूनी दस्त। 2 तोला
जामुन की गुठली को ताजे पानी के साथ पीस छान कर 4-5 दिन सुबह एक गिलास पीने से खूनी दस्त बंद हो जाता है। इसमें चीनी या कोई अन्य पदार्थ नहीं मिलाना चाहिए। टिप्स नंबर 19, जुकाम। एक पाव गाय का दूध गर्म करके उसमें 12 दाना काली मिर्च एवं 1 तोला मिश्री, इन दोनों को पीसकर दूध में मिलाकर सोते समय रात को 5 दिन में जुकाम ठीक हो जाएगा। अथवा 1 तोला मिश्री एवं 8 दाने काली मिर्च ताजे पानी के साथ पीस कर गर्म करके चाय की तरह पिएं और 5 दिन तक स्नान करें। टिप्स नंबर 20, मंदाग्नि। अदरक के छोटे छोटे टुकड़े करके नींबू के रस में डालकर और नाम मात्र का सेंधा नमक मिलाकर शीशे के बर्तन में रख दें। 5-7 टुकड़े नित्य भोजन के साथ सेवन करें, मंदाग्नि दूर हो जाएगी। टिप्स नंबर 21, उदर विकार। अजवाइन, काली मिर्च एवं सेंधा नमक, इन तीनों को एक में ही मिलाकर चूर्ण बना लें। ये तीनों बराबर मात्रा में होने चाहिए। इन चूर्ण को प्रतिदिन नियमित रूप से रात को सोते समय गरम जल के साथ सेवन करने से मात्रा अठन्नी भर सभी प्रकार के उदर रोग दूर हो जाते हैं। टिप्स नंबर 22, मोटापा दूर करना। एक नींबू का रस 1 गिलास जल में प्रतिदिन खाली पेट पीने से मोटापा दूर हो जाता है। ऐसा 3 महीने तक निरंतर करना चाहिए। गर्मी एवं बरसात के दिनों में यह प्रयोग विशेष लाभदायक होता है। तो फ्रेंड्स, ये थे मेरे आज के 22।